हाय गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नेचर में। गाइस, आज आप सोच रहे होंगे कि पारुल हमें किचन में लेकर क्यों आई है। तो गाइस, आज हम कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बनाने वाले हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज आपको कौन सी रेमेडी बनाकर दिखाने वाली हूँ। गाइस, आज की जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी होने वाली है लीव्स से ही। जी हाँ गाइस, ये है अमरूद के पत्ते और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इनसे मैं आपको कितनी अच्छी रेमेडी बनाकर दिखाने वाली हूँ। और एक ये कच्चा अमरूद भी है जो कि आपका इस रेमेडी में काम आएगा। तो गाइस, शुरू करते हैं और इस रेमेडी को बनाने के बाद आप सब मेरी इस वीडियो के 100% फैन होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये देखिए गाइस, ये मैंने अमरूद के पत्तों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। पत्ते गंदे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। पत्ते को, एक एक पत्ते को आप अपने हाथ से अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, एक एक पत्ता क्लीन होना चाहिए। देखिए आप मेरा पानी जो है, मैं इसको भी एक बार दोबारा से हम इसको साफ करेंगे। एक दो बार मैं पहले भी इसको क्लीन कर चुकी हूँ। बर्तन नल के नीचे लगा के आप इसे क्लीन कर लीजिए। गाइस, मैं आज आपको एक बहुत ही इफेक्टिव काढ़ा बनाकर दिखाने वाली हूँ जो कि पुरानी से पुरानी कफ में, खांसी में और बहुत ही पुराना, जो कि किसी के कई बार सीने में कफ जम जाती है, वो निकलती नहीं है, कितनी भी दवाइयाँ खा चुके होते हैं तब भी साफ नहीं होती है। ये देखिए गाइस, मैंने भगोना चढ़ा दिया है गैस पर और मैं इसमें डालने वाली हूँ, एक गिलास पानी में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये मैंने इसके अंदर अमरूद के पत्ते डाल दिए हैं, और मैं इसमें डालने वाली हूँ 4 गिलास पानी टोटल। अमरूद के पत्तों में कम से कम 10 पत्ते हैं ये, इनमें मैंने 4 गिलास पानी डाला है और जब ये 2 गिलास रह जाएगा तब तक आपको इसे बॉईल करना है। इसमें अभी आपको कुछ नहीं डालना है क्योंकि ये गर्मी का सीजन है। मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ जो अब आजकल वायरल फीवर चल रहा है, कोल्ड कफ वगैरह होता है, तो उससे रिलेटेड एक काढ़ा बनाकर दिखाने वाली हूँ। क्योंकि गाइज, हम दवाई भी ले लेते हैं, मुझे खुद वायरल हुआ तो मैंने 3 दिन पहले दवाई ली थी लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं हुआ है, बस मेरा फीवर उतर गया है, इतना ही हुआ है। मेरे गले में अभी भी बहुत ज़्यादा पेन है और कफ भी है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये नुस्खा मेरी मम्मी का है और मम्मी ने कहा कि तुम अमरूद का काढ़ा बना के पियो, तुम जल्दी सही हो जाओगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस काढ़े को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये सब नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। गाइज, हमारे भगवान ने, हमारे प्रकृति ने जो है हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमें नेचर से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ये काढ़ा आपको तब तक पकाना है जब तक कि ये पानी आधा ना हो जाए, जितना भी आप पानी चढ़ाएं लेकिन पानी आधा हो जाना चाहिए पककर। अगर आप ये काढ़ा गर्मियों में बना रहे हैं तो आपको सिर्फ पत्तों को पानी के अंदर पकाना है और फिर हल्का सा निवाया ही इसको पी लेना है अगर आपको कफ है तो। और अगर आपको कफ नहीं है और सिर्फ आपको एलर्जी है गले से रिलेटेड कोई, तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा भी पी सकते हैं और गर्म, दोनों ही तरीके से आप इसको पी सकते हैं। ये गले की एलर्जी, कफ, कोल्ड और इवन फीवर में भी जो आपका वायरल होता है उसमें भी आपका ये बहुत कारगर नुस्खा है जो कि हमने खुद आजमाया हुआ है। तो आज आप इसका नुस्खे का कमाल देखने वाले हैं गाइस और आप इस नुस्खे के फैन हो जाएंगे। आगे भी अपनी आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको आगे भी बताऊंगी
कि मेरे पास बहुत सारे इस तरह के नुस्खे हैं जिनमें आपको किसी दवाई तक लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इसलिए आपको लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे उन चीजों को घर में रखना पड़ता है। हमारी किचन के अंदर ही इतनी सारी चीजें होती हैं जिनसे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो गाइज, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे किचन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे हर बीमारी का इलाज हमारी किचन में ही कर देते हैं। तो ये मेरा पहला नुस्खा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये नुस्खा मेरा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, क्योंकि इससे मेरा हौसला तो बढ़ेगा ही। साथ में अगर किसी को कोई बहुत पुरानी खांसी या कफ है, जैसे कि कई कई साल पुरानी खांसियां तक रुक जाती हैं लोगों की और वो सही नहीं होती है, लगातार लोग खांसते रहते हैं और उसका रीज़न भी उनको पता नहीं होता कि उनके फेफड़ों में कफ जम चुकी है और उसकी वजह से वो लगातार खांसते रहते हैं, तो गाइस आप उनके साथ मेरी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें जिससे कि इसका फ़ायदा जो है वो सभी लोगों को मिल सके। गाइस अपने तक मत रखिए प्लीज़, क्योंकि हमें हर किसी इंसान तक इन रेमेडीज को पहुंचाना चाहिए। स्वस्थ रहने का अधिकार गाइस सबको होता है, इसलिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें और मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको आपके सामने लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद जब ये काढ़ा पूरा रेडी हो जाएगा। ये देखिए गाइस, ये मेरा अमरूद पकने लग रहा है। इसको आपको काला नमक लगाकर कट करके खा लेना है। 2-3 अमरूद खाने पर ही आपकी जितनी मर्जी खांसी आपको आ रही हो, रुकी ना रही हो, वो भी इससे बिल्कुल सही हो जाएगी। और इधर देखिए, ये मेरा काढ़ा बनने लग रहा है और बिल्कुल रेडी ही होने वाला है। इसको बीच बीच में चलाते रहिए जिससे कि हर लीफ का जो रस है, रख बोलते हैं जिसे, वो इसमें अच्छे तरीके से हो जाए। काढ़े को हमेशा खुला ही पकाएं, इसको बिल्कुल बंद करके ना पकाएं। उसका रीज़न होता है गाइस, काढ़े हमेशा जिस भी तरह का काढ़ा बना रहे हैं, चाहे आप ये बना रहे हैं चाहे कोई और भी काढ़ा बनाएं, तो पूरी तरह से ढककर ना बनाएं। भले ही आप इसे जाली से रख दें कि कोई छिपकली वगैरह ना गिर जाए, लेकिन आप इसे पूरी तरह से ढककर कभी ना बनाएं, तो इसका जो तासीर है वो बदल जाता है। ये देखिए गाइस, ये मैंने अमरूद को भून लिया है, बिल्कुल काला हो जाएगा ऊपर से। आप इसके काले काले पार्ट को हटाकर और इसमें काला नमक लगाकर बिल्कुल आराम से टेस्ट के साथ खाएं, क्योंकि आपको पता है कि इससे आपके गले को आराम मिलने वाला है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये कच्चा अमरूद हम पका के खा रहे हैं तो कुछ अजीब चीज है, टेस्ट कुछ अलग आने वाला है, तो ये चीज मत सोचिए आप। दवाई तो आप कड़वी से कड़वी भी खाते हैं ना, लेकिन ये तो फिर भी आपको मीठा लगने वाला है और नमक लगाने के बाद जो मजा आने वाला है वो उसका टेस्ट ही आपको अलग आएगा। एक दो बार में आप इसका टेस्ट पकड़ जाएंगे और आप इसके फैन हो जाएंगे, क्योंकि हमारी मम्मी बचपन में हमें फीवर में इस तरह का काढ़ा वगैरह बनाकर दिया करती थी। और ये जो अमरूद है, ये खांसी तो बच्चों को बच्चे कुछ ना कुछ गर्म के ऊपर ठंडा ठंडा गर्म ऐसे करते रहते हैं, तो खांसी तो बच्चों को हुई ही रहती है पूरी सर्दियों में। तो सर्दियों में तो आपका ये रामबाण इलाज हो जाएगा, सर्दियों में तो आपको कोई चीज़ परेशान करने ही नहीं वाली है। सर्दियों में जब आप काढ़ा बनाएं तो गाइस दो चीज़ों का ध्यान रखें। इस काढ़े में हमने अभी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ पत्ते और पानी है और कुछ भी नहीं ऐड किया है। लेकिन अगर आप सर्दियों में इसको बनाते हैं तो आप इसमें 2 लौंग और 2 काली मिर्च ज़रूर डाल लें, बस। और कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें, आपको नमक चीनी कुछ भी ऐड नहीं करनी है, आप इसको एज इट इज़ ही बनाइए। देखिए गाइस, मेरा अमरूद बिल्कुल काला होने लगा है, बाहर से जो भी काली काली पपड़ियाँ होंगी इसकी वो उतर जाएंगी जब आप हाथ से इसको हटाएंगे तो, और फिर आप इसका अंदर वाला पार्ट आप इसको खा लेंगे और डेफिनेटली आपकी जो खांसी है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। गाइस ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप एक बार आजमा कर देखिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को फ़ायदा देने वाला है। ये देखिए गाइस, ये पककर तैयार हो चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और ये मेरा जो काढ़ा है ये भी ऑलमोस्ट रेडी होने को ही है। ये देखिए, यहाँ तक पानी था इसमें जब मैंने इसको रखा था, अब इसका पानी यहाँ तक जा चुका है, यानी कि ये 2 ग्लास पानी अब इसमें बचा होगा। गैस को थोड़ा सिम ही रखें। देखिए गाइस, मैंने गैस को
बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको बनाया है और ये काफी रेडी हो चुका है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये दिखता कैसे है। ये देखिए गाइस, मेरा दो ग्लास काढ़ा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैंने चार ग्लास पानी चढ़ाया था और ये सिर्फ दो ग्लास रह गया है। और पत्तों का कलर भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना चेंज हो चुका है। पत्ते पहले ग्रीन थे और अब पत्तों का कलर ये हो गया है। ये देखिए, हमारा काढ़ा जो है वो रेडी है। गाइस, अगर मेरी वीडियो आप सबको जरा भी अच्छी लगी और यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि सभी को इसका फायदा मिल सके और आपको भी मेरी नई आगे आने वाली इम्पॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।